एक तो रात को 12 बजे आई है और ऊपर से शराब पी के। खुद का कमाती हूँ, अगर थोड़ी सी पी भी ली तेरे बाप का क्या जाता है? उसे तो मैं सुबह देखता हूँ। उठ गई, उतर गई शराब, अब अपना ये सामान उठा और निकल मेरे घर से। तेरे जैसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। क्या मतलब, ये मेरा घर नहीं है क्या? तुम्हारा घर था, अब नहीं है। पर क्या बोलकर गई थी कल तुम? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, रात की 8 बजे तक आ जाऊंगी। पर आई कब? रात के 12 बजे, और वो भी शराब पी के। और अगर गली में किसी ने देख लिया होता तो हमारे परिवार की इज्जत क्या रह जाती समाज में? तू एक काम कर, तू उठ, तुझे मैं खुद छोड़ के आता हूँ तेरे बाप के घर, और उन्हें भी बताऊंगा कि तूने ये रात को क्या किया है। अरे क्या हो गया, मैंने पी ली तो, सब पीते, मैंने भी थोड़ी सी पी ली। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगी। अच्छा तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें पूछने वाला? अच्छे घर की लड़कियाँ ना इस तरह से रात को शराब पी के सड़कों पे घूमती नहीं है। और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई तुम्हारी ये हालत देख करके। पूरी रात उल्टियाँ करी है तुमने, पता भी है तुम्हें? रात की उल्टी की और दारू की बदबू आ रही है, ये भी तुम्हें पता है? बस तुम एक ही दिन में इतना परेशान हो गए, और जो मैं पिछले 4 सालों से झेल रही हूँ उसका क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हर रोज दारू पी के आते हो, हर रोज उल्टियां करते हो, रात रात भर घर से बाहर रहते हो, और मुझे पता तक नहीं होता कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। और जब मैं फोन करके पूछती हूँ तो तुम मुझे एक ही जवाब देते हो। तू होती कौन है मुझे सब पूछने वाली? तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता हूँ, और तुम्हें एक दिन में इतनी प्रॉब्लम हो गई? तुमने सोचा कभी मेरे बारे में कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी? पिछले 4 सालों से मैं हर रात इसी टेंशन में रहती हूँ कि तुम आओगे कि नहीं, तुम सेफ हो कि नहीं। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम तो आ जाते हो और सो जाते हो टेंशन फ्री होकर, और मैं रात रात भर इसी टेंशन में रहती हूँ कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। तुमने तो एक ही दिन में मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ के आता हूँ। मेरी तो इस घर में कोई जगह ही नहीं है ना, और तुम्हारा क्या? मैं तो तुम्हें कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकती। मुझे ना दारू पीने का कोई शौक नहीं है, मैंने बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए पी है कि जब तुम्हारा पार्टनर दारू पी के आता है तो तुम्हें कैसा लगता है। I'm sorry यार हरप्रीत, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आई स्वेयर, कसम से।